हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये करारा ड्रेस की बॉटम पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग बताने जा रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको इसकी जो टॉप है उसकी कटिंग और स्टिचिंग बताया हुआ था। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और चलिए बिना देरी किए हुए आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। गरारा बनाने के लिए सबसे पहले हम ऊपर की पैंट जो होती है वो कट कर लेंगे। इसके लिए कपड़े को मैंने फोल्ड करके रखा हुआ है यहाँ पे, और ये हमारा नी तक का पैंट बनेगा। ठीक है, इसकी जो लेंथ है यहाँ पे मैंने 12 इंचेस की रखी है। मुझे तैयार इसे लगभग 11 इंचेस तक का करना है, तो इसे ऊपर से हम 1 इंच इस तरह से लाइनिंग ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा डोरी के लिए जो कपड़ा फोल्ड होता है ना वो हम इसे तैयार करेंगे। अब अपने कमर के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें मार्जिन रखनी है, तो आपकी जितनी कमर है इससे आप 2 इंच एक्स्ट्रा रख लें। तो मैं लगभग यहाँ पे 7.5 इंचेस रख रही हूँ इस तरह से, और इसे हम अब यहाँ पे आसन के लिए मार्क करेंगे 8 इंचेस तक। और इस तरह से हम सीधी लाइन कर लेंगे यहाँ पे और इसे यहाँ तक बढ़ा लेंगे। अब इस तरफ यहाँ पे 2 इंच पे मार्क करना है और यहाँ पर हमें आसन का इस तरह से शेप देना है। ठीक है, अब आपके एंकल के लिए यहाँ पे फिटिंग की मापी ले लेनी है, तो मैं यहाँ पे 6.5 इंच रख रही हूँ और इस तरह से इसे मिला लेना है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सो इस तरह से इसकी कटिंग करने के बाद अब हमें यहाँ पे आसन की सिलाई कर लेनी होगी। बट एक साइड पे आसन को हमें यहाँ पे लगभग थोड़ा सा मार्जिन रख करके हमें बाकी की सिलाई करनी होगी, क्योंकि यहाँ से हमारा डोरी वो निकलेगा। तो चलिए इस तरह से हम इसको स्टिच करके दिखाते हैं। तो बस हमें यहाँ तक सिलाई करना है, और जो हमने मार्जिन छोड़ा है उसके बाद से हम फिर वापस से सिलाई करते हुए इसे नीचे तक मिला लेंगे। तो दूसरे साइड पे हमें पूरे में ही अच्छे से सिलाई कर लेनी होगी। अब जो हमने पहले साइड में जो मार्जिन हमने छोड़ा था वहाँ पे कपड़े को हमें इस तरह से खोलना है, और जो दोनों सिलाई की जो हमने कपड़े एक्स्ट्रा छोड़ी है दोनों तरफ करके इस तरह से हमें इसे सिल लेना होगा, ताकि यहाँ से हम आराम से डोरी अपना निकाल सकें। ठीक है, अब हम इसे ऊपर से लगभग 1 इंच का मार्जिन रखा था उस तरह से हमें फोल्ड करना है और ऊपर में पूरे में सिलाई कर लेनी है इस तरह से घुमाते हुए। तो यहाँ मैंने इसके तैयार कर लिया है। अब नीचे के लिए हमें फ्रिल तैयार करनी है। तो आपको नी से लेकर एंकल तक का नापी लेना है। इसके लिए मैंने देखिए फैब्रिक कट किया हुआ है। यहाँ पे नीचे में मैं नेट भी लगा रही हूँ, और इसकी लेंथ यहाँ पे मैंने 12 इंचेस रखा है। विथ यहाँ पे 18 इंचेस है। टोटल 36 इंचेस में 36 इंचेस विथ वाली हमारे पास 2 पीस है। और सबसे पहले नेट और हमारा जो मेन फैब्रिक है इस तरह से फोल्ड करके हमें इसे नीचे तैयार कर लेना है। ठीक है, अब एक एक करके आपको नेट और ये वाला जो फैब्रिक है हमारा मेन, इस दोनों को मिलते हुए इसे हम ऊपर की साइड से सिलाई लगाएंगे ठीली वाली। ठीक है, तो पूरे को इस तरह से सिल लेंगे, और सिल लेने के बाद हमें क्या करना है, जो सिलाई का जब एंड होगा ना तो यहाँ से एक धागे को लेना है और इस तरह से आपको खींचते हुए यहाँ पर फिर लगानी है। ठीक है, तो पूरे को अच्छे से आप सेट करके अपने जो हमारा कपड़ा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फ्रिल तैयार करना था। तो चलिए अब वो जो फ्रिल हमने तैयार किया है यहाँ पे एक एक करके इस पर बैठा करके हम सिलेंगे। तो यहाँ पे इसे बैठाते हुए चलिए अब इसको पूरे में सिलाई कर लेंगे। सो इसी तरह से हम दूसरे साइड को भी सिल लेंगे। तो देखिए दोनों साइड को हमने सिल लिया है। अब जो हमारी आसन की सिलाई है ना उसे हम बीच में करेंगे, और यहाँ इसे हम अच्छे से मिलाते हुए अब हम इसके पूरे की सिलाई दे देंगे।
तो यहाँ पे आपका ये गरारा बनके रेडी होता है। ऊपर के लिए आप एक डोरी बना लें, और आप प्लास्टिक लगाना चाहते हो तो आप प्लास्टिक भी लगा सकते हो। कितनी आसानी से आप ये गरारा बना सकते हो। अगर आपने इसके टॉप की वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के एंड में मैं इसकी लिंक दे दूँगी, आप ज़रूर देखना। और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।